रश्मिका मंदाना और सारा तेंदुलकर के बाद अब बॉलीवुड एक्ट्रेस कटरीना कैफ की डीफेक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस फोटो में कटरीना की ही फोटो में उनके कपड़ों से छेड़छाड़ हुई है और उसे अश्लील दिखाने का पूरा प्रयास किया गया है। दोस्तों, आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन न तो आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और न ही वीडियो को लाइक करते हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि दोनों ही काम करके मेरा सपोर्ट करिए। कटरीना के जिस फोटो के साथ अभद्रता की गई है वो टाइगर 3 के एक सीन का स्क्रीनशॉट है। सीन में इतना है कि कटरीना की लड़ाई तौलिया को लेकर एक विदेशी महिला से हो रही होती है। इसी दौरान वो सीन आता है, मगर AI द्वारा जनरेट की गई फोटो में उन्हें बिकनी पहनाया गया है। असली फोटो में कटरीना के शरीर पर तौलिया ढका है, जिसके कारण उनका पेट और उनकी चेस्ट के आसपास का हिस्सा बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन जो वीडियो एडिट करके उनके शेयर हो रहे हैं उसमें उन्हें ब्रा और पैंटी पहना दी गई है। देख सकते हैं कि उसमें किस तरह से उनके शरीर की फोटो के साथ छेड़छाड़ करके उसे घटिया दिखाने का प्रयास हुआ है। बता दें कि कटरीना कैफ की तस्वीर से पहले ऐसी छेड़छाड़ हो कई अन्य सेलिब्रिटीज के फोटोज के साथ हुई है, जैसे सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर की फोटो के साथ शुभमन गिल की फोटो एडिट करके जोड़ दी गई थी, जबकि हकीकत में वो अपने भाई के साथ पोज में फोटो खिंचाई थी। इसी प्रकार हीरोइन रश्मिका मंदाना का चेहरा एडिट करके भी एक वीडियो वायरल हुई थी। उस वीडियो में उनका चेहरा जारा पटेल नाम की महिला की वीडियो में जोड़ दिया गया था, जो यूजर को देखकर पसंद नहीं आया था। बाद में पता चला वो रश्मिका का एडिटेड वीडियो है। इसे लेकर साउथ एक्ट्रेस ने नाराजगी भी जाहिर की थी और अमिताभ बच्चन ने इस पर लीगल एक्शन लेने को भी जरूरी बताया था। डीप फेक के संबंध में द गार्जियन एक आर्टिकल में जानकारी दी गई है कि यह सबसे पहले सोशल मीडिया ऐप रेडिट पर सामने आया था।